हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्काई किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही झटपट तैयार होने वाली स्नैक जिसका नाम है क्रिस्पी कॉर्न कबाब। ये बहुत ही जल्द बन जाती है और बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए दोस्तों, हम बनाते हैं क्रिस्पी कॉर्न कबाब। दोस्तों, क्रिस्पी कॉर्न कबाब के लिए हमने लिया है एक कटोरी कॉर्न, इसे हमने सेमी ग्राइंड कर लिया है। हमने 3 मीडियम साइज आलू बॉईल कर लिए हैं, बॉईल करके हमने उसे ग्रेट कर लिया है। 1 मीडियम साइज के प्याज को हमने बारीक काट लिया है। 1 मीडियम साइज की शिमला मिर्च को हमने बारीक काट लिया है। 2 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर, हमने लिया है आधा कटोरी ब्रेड क्रम्स। दोस्तों, हमने मसालों में लिया है 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च या गोल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। दोस्तों, हमने एक बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लिया है, इसमें हम सारे मसाले और इंग्रेडिएंट्स मिला लेते हैं। हमने पहले डाला है आलू, अब हमने ऐड किया कॉर्न, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, ब्रेड क्रम्स, कॉर्न फ्लोर। दोस्तों, हम इसमें सारे मसाले भी मिला लेंगे। दोस्तों, ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। तो कबाब बनाने के लिए पहले हम हाथों में हल्का सा तेल लेके ग्रीस कर लेंगे ताकि आलू का मसाला चिपके नहीं, और हम इसे हल्का हल्का गोला बनाकर इसे सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे। हम इसे सिलेंड्रिकल शेप कबाब की तरह दे रहे हैं, आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। कबाब के लिए हमने ये सिलेंड्रिकल शेप में ये तैयार कर लिए हैं, अब हम इसे तलेंगे। दोस्तों, हमारा तेल अब गर्म हो चुका है, अब हम इसमें तलेंगे। हमें इसमें मंदी आंच में ही तलना है ताकि ये अंदर भी पक जाए। दोस्तों, हमारे ये क्रिस्पी कॉर्न कबाब अब तैयार है, हम बाकी के भी तल लेते हैं। इसे हमें गोल्डन ब्राउन तक तलना है। दोस्तों, ये हमारे क्रिस्पी कॉर्न कबाब तैयार है। देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन रंग आया है इसका, ये बहुत ही क्रिस्प है। इसे हम टोमेटो सॉस या ग्रीन चिली सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी डिश कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, अगली रेसिपी के साथ फिर जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू।